हरियाणा में जो मेवात जगह है नेहू जिला, वहाँ पे कुछ मुसलमानों ने, वहाँ पे उनका गढ़ था, उन लोगों के हिंदुओं के ऊपर उन्होंने आतंकवाद की तरह हमला जो किया, जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई काम थे, वो एक अभिषेक जो जल यात्रा है वो महादेव के वहाँ पे लेके जा रहे थे। उन्होंने पहले से ये साजिश बनाई हुई थी कि हम यहाँ पे इनके ऊपर पथराव भी किया, गोली भी चलाई उन्होंने और वहाँ पे ग्रेनेड भी फेंके गए। अभी हमारे बहन भाई जो यहाँ पे मंदिरों में बंद है, वहाँ की पुलिस भी उन्होंने भगा दी। इतना आतंकवाद जो एक हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जो एक पाकिस्तान बनाने की जो साजिश हो रही है, ये हम हरगिज़ नहीं बनने देंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हमेशा खड़ा हुआ है भारत के साथ। हमारा काम ही यही है, सुरक्षा, संस्कार और सेवा, और यही हम करते आ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर पूरे 12 बजे ये प्रोटेस्ट हमारे शुरू हैं। आज कठुआ में है, लेकिन जम्मू, उधमपुर, जितने भी हमारे जिला यहाँ पे हैं, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट आज हो रहा है। ये सरकार के आगे हार जुआ के रिक्वेस्ट है हमारी कि जो भी षड्यंत्र इनके पीछे जो हो रहा है, जो साजिश हो जी, जो किलिंग इन्होंने की है वहाँ पे, कुछ लोगों को मारा गया, पुलिस वाले को गोली वहाँ पे लगी है, थाना जला दिया है, कुछ 50 गाड़ी इन्होंने जला दी है, छोटे छोटे बच्चों को जो आतंकवाद की ट्रेनिंगें जो देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा टीवी में जो छोटे छोटे बच्चे जो 16-16, 15-15 साल के हैं, 20-20 बच्चे क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ लगी हैं, कारें लगी हैं वहाँ पे, लेकिन उनको पलटा के आग लगा रहे हैं। वो टीवी में आ रहा है, हर जगह पे वो आ रहा है, आप देख सकते हो उसमें कुछ और। लेकिन जो आतंकवाद है, जो मुस्लिम आतंकवाद और जिहाद, इसको हम जड़ से ख़त्म करेंगे। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है, हमें हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। बड़ा हैरत और दुख का विषय है कि हरियाणा में जिस प्रकार की जो घटना घटी है, बड़ी दुखद है। हमारे हिंदू धर्म में तो एक ही बात आती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन मैं हिंदुओं को, आप लोगों के माध्यम से अपने भाइयों को सूचित करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर हम लोग इस मंत्र के ऊपर चलते रहे तो हमारा जो भविष्य है वो डार्क है, खतरे में है। जैसे है, हम नहीं चाहते किसी को, हम किसी कौम के ऊपर कटाक्ष करना नहीं चाहते, हद हो गई। तो उसका निवारण जो हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला है, हिंदू राष्ट्र गोश्त हो, ये तभी ही इसी के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। मैं ठीक है, एक सवाल आया कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, मैं कहता हूँ सेंटर में भी है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी हमारी विनती है, ये आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, हमारी खट्टर सरकार से निवेदन रहेगी हमारे सभी लोगों की। मैं विनती करता हूं, जो मेरा 85 साल का जो अनुभव है, जो मैंने सीखा है, मैं एक आर्मी का हूं, एक सर्विसमैन हूं, हमारा तो एक ही एम रहा है, डू एंड डाई बट डोंट क्वेश्चन व्हाई। तो इस वक्त जो है वो सख्त एक्शन की ज़रूरत है। हरियाणा गवर्नमेंट को चाहिए इन लोगों के जल्दी से जल्दी अतिशीघ्रता से ये वर्क जो है, ये जल्दी से जल्दी इनको सलाखों पीछे धकेला जाए और इनके ऊपर मैं फोर्थ वेक्ट एक्शन लिया, अदरवाइज द सिटी इज लाइकली टू बी वेरी ड्रास्टिक। आई वुड लाइक टू कन्वे, आई वुड लाइक टू गिव माई मैसेज टू द गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट एज वेल एज कि आपका फर्ज बनता है, इसके ऊपर कंट्रोल करिए। कब तक चुप बैठेंगे हम, कब तक हम चुप बैठेंगे? सर, जय श्री राम। राजन बजरंगल, जिला सेवजक, जिला कठुआ।
आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो आतंकवाद और इन जिहादियों के खिलाफ था, जिन्होंने हमारी हम हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र जो मेवात के नूह जिले में हमारा जो प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ पे वहाँ की जल अभिषेक यात्रा पर जो इन्होंने हमला किया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम हिंदू हिंदुस्तान में ही सेफ़ नहीं हैं तो हम कहाँ जाएंगे। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने जो आज आह्वान किया था कि पूरे देश भर में हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में हर जिला में ये प्रोटेस्ट का जो आज हमने कार्यक्रम रखा था, और इसी के साथ